फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला मुझे और आपको कोरोना जैसी वबा से महफूज रखे, ये विषय मेरी और इस कोरोना वायरस के लिए अपने हैंड्स को वॉश रखें, मास्क का इस्तेमाल। आज हम पढ़ने लगे लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके जो के फिजिकली लीनियर नहीं होता बल्कि वो लॉजिकल लीनियर होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये एक एलिमेंट है, मेमोरी में यहाँ पे पड़ा होगा किसी भी लोकेशन पे, दूसरा यहाँ पे पड़ा होगा किसी भी लोकेशन पे, तीसरा यहाँ पे पड़ा होगा। अब इनका आपस में लिंक क्रिएट कर इसका एड्रेस उठा के क्वेश्चन में डाल दें, इसका एड्रेस उठा के। अब ये मेमोरी में ये तीन मेमोरीज है लेकिन रैम में या मेमोरी में डिफरेंट प्लेसेस पे पड़ी हुई है, लेकिन उनके एड्रेसेस लिंक बाय एक दूसरे से क्या कर दिए गए हैं, लिंक कर दिए गए हैं। इस वजह से इसे कहा जाता है लिंक लिस्ट। और ये आपको पता है कि दो फील्ड वाली मेमोरी हम एलोकेट कर सकते हैं स्ट्रक्चर की मदद से, और स्ट्रक्चर की मदद से यानी एक मेमोरी क्या होगी, पॉइंटर, क्योंकि उसमें हमने एड्रेस स्टोर कराया, और दूसरी मेमोरी आप कोई भी डेटा टाइप की ले सकते हैं। यहाँ पर एक चीज याद रखें, मैंने लिखा कि ये फिजिकली लीनियर नहीं है, तो वो ऐसे है कि देखें ये मेमोरी पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है, ये कहाँ पड़ी हुई है, ये कहाँ पड़ी है, ये अरे की तरह फिजिकली लीनियर नहीं है। अरे की जो मेमोरी होती है वो कंजेक्टिव और फिजिकली लीनियर होती है, लेकिन ये फिजिकली लीनियर नहीं है, लेकिन इसके अंदर से जब डेटा उठाया जाएगा, डेटा से मुराद फिलहाल मेरे इधर 15, 16, 17, जब डेटा उठाया जाएगा वो लीनियर होगा, 15 उठा लेगा फिर 16 और फिर 17 को उठा लेगा। इसी को हम ले के चलते इस कंसेप्ट को कि लिंक लिस्ट बनाई कैसे जा सकती है। सपोज यहाँ पे देखें, ये एक मेमोरी बनाई मैंने, इसका एक पोर्शन डेटा है और दूसरा लिंक है। पहले ये मेमोरी बनाऊंगा मैंने एक डेटा टाइप बनाई स्ट्रक्ट, वो सारा कुछ ऊपर आप लिखे लिंक, उसके बाद स्ट्रक्ट लिंक के नाम से ही मेमोरी। इसका पहला फील्ड क्या रखा मैंने, इंट डेटा, और दूसरा पोर्शन रखा मैंने नेक्स्ट, और वो किसका रखा मैंने पॉइंटर टू लिंक। अब यहां पे देखें, आप कहेंगे कि सर ये डेटा टाइप अभी कंप्लीट नहीं हुई मैंने, लेकिन इसको एज ए डेटा टाइप इस्तेमाल कर लिया है, तो स्ट्रक्चर में ये पॉसिबल है कि आप एक डेटा टाइप को कंप्लीट होने से पहले एज ए डेटा टाइप इस्तेमाल करें। अब ये जो लिंक टाइप की मेमोरी है इसमें दो फील्ड है, एक डेटा और दूसरे का नाम क्या रखा है मैंने नेक्स्ट, इसका मतलब है इस पोर्शन का नाम मैंने क्या रखा है नेक्स्ट। यह अभी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, ये अभी उसने से डेटा टाइप बनाई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा इंट मेन और फिर यहाँ पर मैंने एक वेरी लेवल या पी कॉमा स्टैरिक क्यू और स्टैरिक हेड, यानी तीन वेरिएबल लिए, एक को कहा मैंने पी, दूसरे को कहा क्यू और तीसरे को कहा हेड। ये तीनों पॉइंटर टाइप के वेरिएबल हैं और ये किस मेमोरी को लिंक टाइप मेमोरी को अप्रोच करेंगे, और लिंक क्या है एक स्ट्रक्ट।
फिर इस चीज को समझे, मैंने तीन वेरिएबल बनाए और तीनों पॉइंटर टाइप के बनाए, यानी उनके अंदर एड्रेस स्टोर किया जा सकेगा किसी न किसी लिंक टाइप मेमोरी का, पी पॉइंटर टाइप का, क्यू पॉइंटर टाइप का, हेड भी पॉइंटर टाइप का। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं एक न्यू मेमोरी एलोकेशन, न्यू लिंक इसका एड्रेस किसको स्टोर किया है, जैसे ही मैं ये न्यू लिंक लिखूंगा ये मेमोरी एलोकेट होगी किसी न किसी एड्रेस पे होगी, बिल्कुल 786 पे होगी, ये एड्रेस जाके स्टोर हो जाएगा पी के अंदर। यानी अब पी की मदद से हम इस मेमोरी को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फिर मैंने क्या कहा, सी इन पी, एरो का साइन लगाए डैश का, फिर आगे ग्रेटर देन का साइन लगाए और यहां पे लिखा डेटा, यानी पी जिसे पॉइंट कर रहा है, पी जिसे पॉइंट कर रहा है उसका डेटा पोर्शन की ओर से रीड कर, और पी के नेक्स्ट पोर्शन में जो कि एड्रेस है वहां पे कैपिटल एन यू डबल है, क्योंकि हम कोई भी एड्रेस खुद से स्टोर नहीं करा सकते, क्योंकि मेमोरी के एड्रेस उसने उठाने, एक नल वाहिद है, नल का मतलब कोई एड्रेस नहीं, वो हम सिर्फ स्टोर करा सकते हैं। ये याद रखिएगा, पॉइंटर टाइप वेरिएबल के अंदर मेमोरी के एड्रेस डाल सकते हैं, सिर्फ एक नल है जो आप डाल सकते हैं, बाकी वो मेमोरी के एड्रेस ऑटोमेटिकली आप असाइन कराते जाते हैं। अब इसका सिचुएशन ये, इसको रीड किया आपने यहाँ पे रीड किया 15 और यहाँ पे क्या आ गया लास्ट। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इस चीज को आगे की तरफ मूव करें तो ये 5 मिनट के लिए रुकेंगे, जरा ये मार्कर देखें उसके बाद आगे बढ़ते हैं।